नमस्कार, आप देख रहे हैं द रूरल फाइट और मैं हूं सोमदैया। आज मैं पहुंचा हूं गांव तिगड़ाना में, जहां पर तिगड़ाना गांव की बेटी स्नेह दैया ने HCS में सफलता पा करके पूरे तिगड़ाना गांव का नाम रोशन कर दिया। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी सफलता का राज क्या है। तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार हमारे द रूरल फाइट की तरफ। नमस्कार सभी दर्शकों को। हाँ जी, तो आपने HCS में सफलता मिली है, इसके लिए सबसे पहले एक और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ओके, सो आप कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कब से आप तैयारी कर रही हैं? जी, मैंने पहले अपनी ग्रेजुएशन की थी BTech में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, भिवानी से ही। और उसके बाद फिर मैंने थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से MTech की डिग्री ली है। उसके दौरान मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ रुख करना चाहिए। मेरे फादर ने बहुत मुझे एनकरेज किया और उन्होंने मुझे गाइड भी किया इसके लिए। तो उसके बाद मेरा इस तरफ रुझान हुआ, तो फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी सिविल सर्विसेज़ की। और फिर मैंने कुछ समय के लिए तैयारी करी, बीच में मैंने कुछ और भी एग्ज़ाम्स दिए और वो भी मैंने उनमें भी सफलता पाई। उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए बीच में एज अ बैंक PO भी जॉब की, लेकिन फिर जो है आपका जो लक्ष्य होता है वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता रहता है कि नहीं, आपको जो पाना है वो करना चाहिए लाइफ में। तो मुझे लगा कि मुझे ये जॉब छोड़ के अपना जो भी मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो मेरे पेरेंट्स की जो भी एस्पिरेशन है उनको पूरा करना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने उस जॉब से रिज़ाइन करके फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और फिर HCS इसी दौरान मैंने लिखा, जो मेरा पहला ही प्रयास था और उसमें मुझे फिर सफलता मिली। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि HCS के अलावा आपने कौन कौन सी परीक्षाएं दी हैं और किसमें सफलता हासिल की? HCS के अलावा एक तो कॉलेज के दौरान ही कैंपस प्लेसमेंट भी हुई थी, बट वो मैंने नहीं आगे उसकी तरफ मैं नहीं बढ़ी, क्योंकि मुझे उस दौरान लगा कि मुझे अपना सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहिए। और उसके अलावा मैंने SSC CGL की जो परीक्षा होती है उसमें भी क्वालिफाई किया था, और IBPS के थ्रू जो बैंक PO की जॉब होती है उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया और कुछ टाइम के लिए जॉब भी की थी। ओके, तो अभी आप HCS में क्वालिफाई करने से पहले आप जॉब कर रहे थे या फिर आप सिर्फ स्टडी पे फोकस कर रहे थे? अभी मतलब कुछ समय से, लगभग एक साल से तो मैं पूरा पढ़ाई पे ही फोकस था। उससे पहले मैंने जॉब की थी, तो फिर वो मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि जॉब के दौरान पढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो मुझे लगा कि मैं जॉब छोड़ के अच्छे से फोकस कर पाऊँगी। तो अभी कुछ समय से मैं पढ़ाई पे ही फोकस अपना कर रही थी। ये आपके लिए कितना इजी रहा और कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा कि एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब के लिए तैयारी करना, ये आपका डिसीजन था या फिर इसके पीछे आपकी फैमिली की क्या सपोर्ट रही? तो ये जो जॉब छोड़ने का डिसीज़न था वो मेरा खुद का पर्सनल डिसीज़न था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो कभी मुझे फोर्स नहीं किया। मतलब उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है कि आप जो भी आपको ठीक लगता है, जो आप करना चाहते हो वो करिए। तो उन्होंने कभी मुझे इस बात के लिए भी फोर्स नहीं किया कि नहीं आप जॉब मत छोड़ो, क्योंकि एक सरकारी जॉब मिलना और फिर उसको रिज़ाइन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको कोई और जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो लेकिन ऐसे में बहुत से लोग बोल भी रहे थे कि आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, आप साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखिए। तो ये थोड़ा एक डिलेमा वाली सिचुएशन होती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था। उन्होंने मुझे बोला कि आप जो भी डिसीज़न लोगे हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। ओके, तो आप अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? मेरा प्रेरणा स्रोत मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ही हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। मतलब मेरे फादर ने हमेशा हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है, हमेशा ही वांटेड मी टू बी इंडिपेंडेंट एंड अचीव अ बिग रेपुटेशन, बिग पोस्ट। तो मुझे लगता है कि उन्हीं की आशीर्वाद और प्रेरणा की वजह से ही मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, लाइक हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एट अ डे? आई थिंक इट वेरीज, इट्स नॉट फिक्स्ड। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि आप इतने घंटे, कई बार वेरी करता है। बट मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 3-4 घंटे पढ़ के ये परीक्षा पास कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो हार्डवर्क और वो डेडिकेशन तो बहुत चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि दिन में कितने घंटे हैं वो तो है, आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आप जॉब के साथ भी कर रहे हैं तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज
14 घंटे या जितना भी है आपने पूरा दिन पढ़ाई में लगा दिया और फिर अगले कुछ दिन के लिए आपने नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट स्टडी इसमें डिमांड करती है ये जो भी तैयारी है। तो मुझे लगता है कि वो अपना अपना सबका तरीका है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूरे दिन पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ समय अफेक्टिव स्टडी करते हैं। मुझे लगता है कि पूरा दिन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अफेक्टिव स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 7-8 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें बहुत अच्छी अफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो वो भी सफिशेंट है। वो भी अगर आप कंसिस्टेंट 1 साल करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू नो योर हॉबीज। माई हॉबी इज बेसिकली प्लेइंग बैडमिंटन एंड स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली एंड कुकिंग। तो दीज आर माई हॉबीज। ओके, इफ योर हॉबी इज बैडमिंटन, सो वट वुड यू लाइक टू बी विद योर जॉब? वट एल्स वुड यू लाइक टू विद योर जॉब? With my job, I think we all need some refreshment and some job is like very, sometimes if you completely focus on your job or on your studies only, so it becomes very hectic and you'll not be able to, you know, enjoy. So I think hobbies are very important to enjoy your life fully. I think you should not focus only on one thing. You should develop some hobbies through which you can entertain yourself, you can live a healthy life. So I think hobbies are very important. So all of us should develop some good hobbies so that physically mentally also, it hobbies help us to maintain our overall development. Okay, so what's your future plan now? You have become an HCS, so now what do you want to be? Now that I have become an HCS, so but it is not the ultimate goal. I will further strive for UPSC and in my job also I will strive for higher goals. I will do whatever I can do. I will give my 100% to my job. So that's it. Okay, have you taken any attempt in the UPSC or not? Yes, I have taken, but unfortunately I was not able to. Okay, do you have the craze to take the re-attempt? Yes, definitely, I would like to. Okay, so who else are in your family? My family includes my parents and my 2 younger brothers. Okay, so you are only daughter of your father? Yes, I'm the only daughter. Okay, thank you to giving me a precious time. ओके, सो गाइज, ये थी हमारे साथ स्नेह दैया फ्रॉम तिगराना, जिन्होंने HCS की परीक्षा पास करके पूरे तिगराना को और पूरे हरियाणा को एक नई पहल की और एक नाम रोशन करने का काम किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी न किसी ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने रूरल एरिया में रह करके बहुत अच्छा काम किया होगा। सो तब तक देखते रहिए द रूरल फाइट। थैंक यू।